इसलिए नहीं कि कोई बाहर चला जाए। दोस्तों, सलार के ट्रेलर का पहला रिव्यू आ गया है और सलार के ट्रेलर का पहला रिव्यू राजा मौली ने किया है। सलार पर राजा मौली काफी ज्यादा एक्साइटेड है और दूसरा ट्रेलर देखने के बाद राजा मौली कहते हैं, ये तो बवंडर है और इतना खौफनाक एक्शन आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा था। और अभी जो ट्रेलर आने वाला है वो हर किसी को चौंका देगा, क्योंकि ये इतना खौफनाक लास्ट पंच है जिसको डंकी वाले भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और इस बार क्या एक्शन बनाया है और क्या इमोशन आपको देखने को मिलने वाले हैं, जिसको देखकर आपकी नींदें भी उड़ जाएगी। इस बार जो तबाही सलार मचाने आ रही है उसको देखकर पूरी दुनिया यही बोलेगी, अगर एक्शन और मसाला मूवी बनानी है तो साउथ से सीखो, क्योंकि साउथ की मूवी का कोई मुकाबला कर नहीं सकता। सलार एक ऐसी खौफनाक मूवी है जिसका कोई रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाएगा। इस बार लगता है डंकी को बहुत बड़े डायनासोर का मुकाबला करना पड़ेगा, और इस बार जो डायनासोर जुरियासिक पार्क से आ रहा है उसका पंच काफी खतरनाक है, और वो आपको दूसरे ट्रेलर में देखने को मिलेगा। राजा मौली दूसरे ट्रेलर की तारीफ करते हुए कहते हैं, ये तो बवाल है और ये ट्रेलर जब आएगा तब हर कोई यही बोलेगा। डायनासोर, इसका मतलब राजा मौली भी दूसरे ट्रेलर को लेकर काफी कुछ बोल गए हैं। इसका भी सीधा इंपैक्ट सलार पर पड़ेगा। दोस्तों, सलार के पहले ट्रेलर में जो प्रभास अन्ना ने कहा था कि हमारे खून में ही वायलेंस है, ये बात बिल्कुल सच है, और जब आप दूसरा ट्रेलर देखोगे तो आपको घूस बंस आ जाएंगे, क्योंकि दूसरा ट्रेलर काफी खौफनाक और एक्शन से भरा हुआ है। इसमें इतना ज्यादा खून खराबा दिखाया गया है जिसको देखने के बाद आप भी बोलोगे बस करो। प्रभास अन्ना, आपसे बड़ा कोई एक्टर पूरी दुनिया में नहीं है, और लगता है सलार की एडवांस बुकिंग भी तेज होने वाली है, क्योंकि आपको इस बात का पता होना चाहिए कि सलार के टिकट्स डंकी से भी ज्यादा सोल्ड आउट हो गए हैं, और ये अब कहीं भी नहीं रुकेगा। अब उसके साथ डंकी भी आ रही है, लेकिन डंकी एक फैमिली एंटरटेनर मूवी है, उसको लोग इतना ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। और दूसरी तरफ सलार है जो कि KGF के मेकर बना रहे हैं, और वो एक एक्शन मसाला मूवी है, इस वजह से सलार को अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। उसी के साथ विदेशों में भी सलार की एडवांस बुकिंग डंकी से ज्यादा हो रही है, और अभी जो नया सॉन्ग आया है उसके बाद तो ओवरसीज में बहुत ही बड़ा जंप आ गया है। दोस्तों, सच बताना, आपको सलार का नया गाना कितना पसंद आया और आप सलार का कितना इंतजार कर रहे हो, कमेंट में लाजमी लिखना। अगर आप प्रभास अरुणा के सच्चे फ्रेंड हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना और हमारे 50,000 सब्सक्राइबर लाजमी पूरे करवाना, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें और आपको प्रभास अरुणा की हर एक मूवी की अपडेट देते रहें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर लाजमी करना, और कमेंट में #सलार भी लिख देना।